तो ये तो मैं गलत है, और इस तरीके का किसी के साथ मारपीट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसमें जिम्मेवार केंद्र सरकार है। जब वो इतना बात करती है, राम जी को आगे लाने का काम करती है, मंदिर बनाती है, तो उनको भी रक्षा करना चाहिए। कुछ ऐसे संत हैं जो उन्हें उनके साथ नहीं है, जो चार चार शंकराचार्य हैं, जो कि वो भी नहीं जा रहे हैं वहाँ अयोध्या में, विरोध कर रहे हैं उसका। तो वो भी तो भगवान के बहुत करीब हैं, भगवान का उनको दर्शन हुआ है। तो इसलिए सारे लोगों को लेकर के चलने का काम करना, किसी को दुख में मत झेलने दीजिए और किसी को छोड़िए मत, सारे लोगों को लेकर के चलने का काम। हाईजेक कर लिए बीजेपी राम मंदिर बने, राम मंदिर पहला मुझे हाईजेक कर लिए। देखिए, राम जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, भगवान को कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, खासकर राम जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। राम रहीम सब एक हैं। क्रीड़ा सिंह कह रहे हैं कि जो भी लोग नहीं जा रहे हैं वो कांग्रेस और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़े, वो सब एंटी सनातन है, सनातन के विरोध तो सबसे बड़ा तो वही है एंटी। इतना साधु संत जब वहां पे, जैसा कि इन्होंने सवाल किया कि उनके उनके साथ ये चीज हुआ है, तो वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं वो, वहां जाकर के रक्षा करें उनका। साधु संत के ऊपर जब अत्याचार हुआ है, तो वहां क्यों नहीं गए गिरिराज सिंह? यहाँ भाषण देने से नहीं ना होगा, बचाने से ना होगा? तो सनातन धर्म को तो आप तो खुद नहीं बचा रहे हैं, आप खुद ही लड़वा रहे हैं लोगों को। इसीलिए गिरिराज जी जो बात कहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि आरएसएस छोड़िए और डीएसएस ज्वाइन कीजिए, तभी आपको सद्बुद्धि आएगा। क्योंकि मानवता को हमको किस तरीके से लेके जाना, हम मानवता का बात करते हैं, हम किसी जाति बिरादरी का नहीं बात कर रहे हैं, हम डीएसएस का बात कर रहे हैं, धर्म निरपेक्ष सेवक संघ का हम बात कर रहे सवाल हैं। तो जो माहौल खराब करते हैं, उन लोगों को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग देश में माहौल को खराब ना करें और सारे लोगों को लेकर के चलने का काम करें। क्योंकि हमारा देश दुनिया, हमारा डीएसएस देश दुनिया तभी विकसित होगा जब हम लोग एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डीएसएस को, और ये मुंहतोड़ जवाब है आरएसएस को। क्योंकि आरएसएस वाले जो लोग होते हैं, वो केवल हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं डीएसएस, धर्म निरपेक्ष हैं हम अपना अगर उंगली को काटेंगे तो लाल खून गिरेगा, अगर मुसलमान काटेगा अपना उंगली को तो लाल ही खून गिरता, कोई हरा या उजला या नीला नहीं गिरता। इसलिए हम लोग सब एक हैं, हम लोग एक ही माता के सब लोग संतान हैं, भारत माता के जो पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो सारे लोगों को लेकर के चलना है, तभी इस देश दुनिया का हम लोग उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अंधकार में कुछ लोग जो है इसको लेके जाना चाहते हैं। तो यह हमारा उद्देश्य है कि डीएसएस को ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है, और पूरे देश हर एक जगह अपना संगठन है, यूपी में है संगठन अपना, उसके अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ भूपेंद्र जी, और भी अलग अलग स्टेट में है अपना डीएसएस। तो हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से डीएसएस में काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेके चल रहे चलिए हैं। देखिए, चलिए हम तो ये कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी धर्म का जब टॉपिक आता है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो जैसे है उसको वैसे रहना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे ऐसे लोगों को कि आप इंसानियत का बात कीजिए, आप जो सांस ले रहे हैं हवा में, वो हवा सबके लिए है, आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी सब लोग पीते हैं, इसलिए आप इंसान धर्म को अपनाने का काम कीजिए। नीतीश जी है वो इंडिया अलायंस के कन्वीनर से। देखिए, ये पॉलिटिकल सभा तो है नहीं, ये डीएसएस चलिए नॉन पॉलिटिकल है, चलिए चलिए इसलिए इन सवाल